Welcome once again, dear friends, and with the consecutive several videos I have produced on National Income Determination Pension Theory के ऊपर हमने कई वीडियो बनाए हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर, क्योंकि जो हमारे जो लेट ब्लूमर्स बच्चे होते हैं उनको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो मेरा मानना है कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करें ही, और साथ ही साथ हम ये कोशिश करें कि उनको हम कॉन्सेप्ट भी देते हैं, उनका कॉन्सेप्ट में अगर कहीं कुछ कमी रह गई है तो दैट ऑल्सो यू कैन दे कैन सॉल्व। सो मेरा अप्रोच विद दैट साइंटिफिक माइंड सेट आई हैव ट्राइड टू प्रिपेयर दिस वीडियो, स्पेशली आई हैव ट्राइड टू फोकस ऑन आवर लेट ब्लूमर्स फ्रेंड्स चिल्ड्रेन। ओके, सो विद दैट नोट आई एम स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन हियर दैट गिवन कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, मैं इस पर लैंड कर लेता हूँ। क्या दिया हुआ कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 वाई। क्या दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 वाई, ये हमारा सी का फंक्शन दिया हुआ है। एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 1000। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 1000। कैलकुलेट द फॉलोइंग, हमको निकालना क्या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड रैंक टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जैसे इनकम उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, ये हमको ये निकालना है। तो हम ये निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ सोल्यूशन हमने लिख दिया, ठीक है। आज हमको ज़्यादा ही पढ़ना है इसके, मेरा लगता है वो स्केच काम नहीं कर रहा है ब्लैक वाला। चलिए, तो हमारा पहले दिया हुआ है सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 वाई, ठीक है। और इक्विलिब्रियम लेवल हम जानते हैं कहाँ कहाँ होता है, जहाँ पर वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, मतलब ए डी इज इक्वल टू एस होता है, यही इक्विलिब्रियम लेवल है हमारा। तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, और हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया सी की जगह, सी की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट की, तो 100 प्लस 0.75 वाई प्लस आई। हमारे पास यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, तो हमने क्या किया इसको वाई माइनस 0.75 वाई इजकल टू 100 प्लस आई की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई 1000, तो हमने यहाँ 1000 लिख दिया, और इज इक्वल टू 1100 हो गया इधर। हम खत्म, यहाँ वाई हमने लिया 1 माइनस 0.75 हो गया इधर, इजकल टू 1100 हो गई, वाई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से माइनस होगा 0.25, अप्रॉक्सिमेटिफिकेशन करेंगे 1000 / 0.25 इजकल टू 1100 इंटू 100 बाई 24, ये हमारा आ गया 4400 वाई आ गया, हमारा इनकम आ गया 4400। ओके, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1400। अब हमारा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, यही हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी। सी बार हमारा यहाँ पर 100 दिया हुआ है, तो 100 प्लस बी की वैल्यू हमको क्या है, बी की वैल्यू हमारा 0.75 है, तो 0.75 वाई की वैल्यू निकाल दिया इंटू 4400। इसको हम सॉल्व करते हैं जरा, क्या आता है 100, ये तो हो गया 100, यहाँ से 100 ले लिया हमने, प्लस 75/100 कर दिया, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में डाल दिया इंटू ये 4400 है हमारा, इसको लिख दिया, ये दोनों कट गया यहाँ पर, कितना बचा यहाँ हमारा बच्चा, हम इधर लिखे लाते हैं इजिकल टू सी वाल इजिकल टू सी इजिकल टू 100 प्लस 44 × 75, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगा वही हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू मानी जाएगी। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 75 और 44 को मल्टीप्लाई किया, ये हमारा 3300, ये हमारा आ रहा है। ओके, तो हमने यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया हमने 3300 और ये हमने जोड़ दिया, तो क्या 3400, तो हमारा ये हो गया कंजम्पशन। सी की वैल्यू यहाँ आ गई, तो हम यहाँ लिख देते हैं सी इज इक्वल टू 3400 और वाई इज इक्वल टू 44, ये हमारा, तो दिस इज आवर आंसर। अगर आपको आंसर दिखाई नहीं दे रहा है पूछ लीजिए, दिस इज आवर आंसर। ओके, थैंक यू। तो मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो खूब देखिए,
वो मेहनत कीजिए, लेकिन जितने क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल बना रहा हूँ संभव नहीं है कि आई कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, सो यू नीड टू हैव अ मोर एंड मोर प्रैक्टिस, सो मोर क्वेश्चंस आई विल टेक बट मोर एंड मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑन योर पार्ट. थैंक यू डियर फ्रेंड्स.